हेलो फ्रेंड्स, NICT चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। सिक्योरिटी कंट्रोल पार्ट वन और पार्ट टू में मैंने आपको यूज़र वाइज सिक्योरिटी कैसे सेटअप करनी है, यूज़र वाइज आपको सिक्योरिटी कंट्रोल को कैसे इनेबल करना है वो चीज़ मैंने आपको सिखाया था। पार्ट वन में मैं आपको सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे इनेबल करना है वो चीज़ सिखाया था। पार्ट टू में मैंने आपको सेल्स के लिए परमिशन कैसे देना है वो चीज़ सिखाया था। और पार्ट थ्री वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप पेमेंट और रिसिप्ट के लिए परमिशन कैसे दे सकते हो और बाकी के सारे ऑप्शन को कैसे डिसअलाउ कर सकते हो पर्टिकुलर यूज़र के लिए। इसके लिए आपको किस तरह से यूज़र क्रिएट करना है, उसके सिक्योरिटी लेवल कैसे क्रिएट करना है वो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। वन सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये फैसिलिटी जो है बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप कोई बड़ी कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने जाते हो और इस चीज़ का आपको नॉलेज है तो आप उसमें अच्छा ग्रोथ कर सकते हो, अच्छी सैलरी पा सकते हो, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है वो बहुत सारे यूज़र को नहीं पता होता है। तो इस चीज़ को आप सारे पार्ट को आप अच्छी तरह से देखो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको नहीं आगे के वीडियो नहीं देखे तो आप उसको देख लेना। तो इस वीडियो में चलो हम शुरू करते हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारा कंपनी हम लोग लॉगिन कर लेते हैं एडमिन यूज़र से। फर्स्ट हम आपको लॉगिन यूज़र एडमिन यूज़र से लॉगिन करना है। फिर आपको कंपनी इन्फो में जाना है, सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन में जाना है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन जब आप पर्टिकुलर यूज़र में एडमिन में, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन यस रखोगे और यहाँ पे आप यूज़र और पासवर्ड दे दोगे तभी आपको सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अभी हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल में जाएंगे, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में जाएंगे। ये जो तीन ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं और ये मैंने क्रिएट किया था। इसको मैं आपको वन सेकेंड ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सेल्स के लिए सेटअप किया हुआ था। अभी हम लोग जो सेटअप करेंगे वो है पेमेंट एंड रिसिप्ट। इसको यहाँ पे हमें सिक्योरिटी लिस्ट डेटा एंट्री सेट करना है, बाकी कोई ऑप्शन को यहाँ पे चेंज नहीं करना है। अभी यहाँ पे आपको डिसअलाउ में क्या क्या चीज़ रखना है, जिस फैसिलिटी को आप बंद करना चाहते हो उसको आपको डिसअलाउ में रखना है। फर्स्ट क्या होता है, मास्टर रहता है। हम लोग मास्टर में पहले फुल एक्सेस सेट करना है। फुल एक्सेस से क्या होता है कि कोई भी चीज़ वो कर नहीं पाएंगे। फुल एक्सेस में मैं यहाँ पे मास्टर अकाउंट मास्टर रख देता हूँ, मतलब अकाउंट मास्टर में, नहीं तो क्रिएट, डिस्प्ले, प्रिंट, कोई भी अल्टर, कोई भी ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगा। फुल एक्सेस में मैं मास्टर इन्वेंटरी मास्टर रख देता हूँ। फुल एक्सेस में अकाउंटिंग वाउचर रख देता हूँ। फुल एक्सेस में ऑर्डर्स वाउचर रख देता हूँ। फुल एक्सेस में इन्वेंटरी वाउचर रख देता हूँ। फुल एक्सेस बैलेंस शीट, फुल एक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो मेन मेन ऑप्शन थे। फुल एक्सेस हम लोग बैंकिंग को भी फुल एक्सेस, बैंकिंग तो एक्चुअली पेमेंट रिसिप्ट वाले को बैंकिंग रिकंसिलिएशन करना होता है तो इसके लिए हम उसको हम लोग बंद नहीं करेंगे। अभी हमें क्या करना है, पर्टिकुलर यूज़र को पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री पास करने देनी है। और पेमेंट एंड रिसिप्ट कहाँ पर होता है, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर होता है। अभी अकाउंटिंग वाउचर तो हमने बंद कर दिया है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, क्रिएट और अल्टर। क्रिएट एंड अल्टर इसलिए मैंने रखा है, अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर यूज़र पे एंट्री करने के बाद उसमें अल्टरेशन की भी फैसिलिटी उनको चाहिए, कि उसको कभी कभी उनसे गलती होती है तो वही अल्टर करे, उसके लिए दूसरे के पास, एडमिन के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो यहाँ पे हमें क्रिएट और अल्टर रखना है। अगर आप चाहते हो उसको खाली क्रिएट मतलब एंट्री पास करने देनी, अगर उससे गलती होती है उसको चेंज करना है तो एडमिन के पास जाए, तो फिर आपको उसको खाली क्रिएट ही रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट और अल्टर दोनों फैसिलिटी रखेंगे, पेमेंट क्रिएट और अल्टर रिसिप्ट, रिसिप्ट नहीं सॉरी रिसिप्ट वाउचर, डिस्प्ले प्रिंट। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, फुल एक्सेस पेमेंट, फुल एक्सेस रिसिप्ट, मतलब ये पेमेंट और ये सारे ऑप्शन वो पेमेंट और रिसिप्ट को सारी चीज़ कर सकता है, मतलब बैंक रिकंसिलेशन सारी चीज़ों कर सकता है। ये हमने सिक्योरिटी लेवल क्रिएट कर लिया। अभी हम लोग उसके लिए एक यूज़र क्रिएट करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने दूसरे सिक्योरिटी के लिए यूज़र क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी लिस्ट में पेमेंट रिसिप्ट सिलेक्ट करेंगे और इसका हम लोग नाम देंगे यूज़र थ्री। अभी इस टेलीकॉम बंद करके
जो हमने नया यूज़र क्रिएट किया है उससे हम लोग लॉगिन करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मास्टर के अंदर के सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं, इन्वेंटरी ऑर्डर वाउचर्स ऑर्डर वाउचर वो भी सारे बंद हो चुके हैं, और बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस वो सारी चीज़ बंद हो चुकी है। अब लोग हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे तो देखो यहाँ पे भी पेमेंट और रिसिप्ट दो ही ऑप्शन शो कर रहा है, बाकी सारे ऑप्शन बंद है। अभी हम कोई भी एक एंट्री पास करके देखते हैं, ये पेमेंट की एंट्री हो चुकी है, एक रिसिप्ट की एंट्री भी करके देखते हैं। रिसिप्ट की एंट्री भी हो चुकी है। अभी इस एंट्री को हमें डिलीट करना है या अल्टर करना है तो हम लोग डिस्प्ले डे बुक में जाएंगे, स्टेशनरी अल्टर डी, डिलीट भी हो रहा है। और ये जो एक सेल्स एंट्री इसको हम लोग ओपन करने की ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसको डिसअलाउ रखा है इसलिए ये एंट्री ओपन नहीं हो रही। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पेमेंट और रिसिप्ट के लिए परमिशन यूज़र वाइज कैसे सेट करनी है, टेली के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल को कैसे यूज़ करना है। तो यही वीडियो के थ्रू आपको यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता था। अपकमिंग वीडियो में आपको पेमेंट सॉरी परचेस इन्वेंटरी वाउचर और ऑर्डर सॉरी इन्वेंटरी वाउचर परचेस और सेल ऑर्डर वाउचर को कैसे सेटअप करना है सिक्योरिटी कंट्रोल में, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा अपकमिंग वीडियो में। दोस्तों ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट्स भी करें, और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जो भी नया अपडेट आएगा उसको आप जल्द ही जल्द सीख पाओगे। थैंक यू सो मच।